नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर फोटो पीरियड. अब फोटो पीरियड क्या होता है? द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे. देखो, अब आपको ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी, आप क्लाइमेट पढ़ के आ रहे हैं, एंड क्लाइमेट में हमने लैटिट्यूड एज वन ऑफ द फैक्टर भी करा था. एंड यू नो कि जो आपका लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड पे सन रेज जब गिरती हैं तो वो वेरी करती हैं. बेसिकली इक्वेटर पर आपको पता है सन रेज वर्टिकल फॉल करती हैं, पर जैसे जैसे इक्वेटर से सन रेज दूर जाती जाती हैं, उनकी रेज स्लांट होती जाती हैं और सन रेज क्या है, रिड्यूस होती जाती है. ठीक है. ऑल्सो हमने ऑल्टीट्यूड देखा कि ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है, वहां सन रेज का इंफ्लुएंस बहुत कम होता है. सीजन्स की बात करी, देन ड्यूरेशन ऑफ द डे के बारे में हमने बात करी. सो ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, ट्रीज ग्रो फास्टर इन द समर, क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा रहती है समर्स में. तो समर्स के अंदर जब सनलाइट आपको अवेलेबल है इन अ वेरी गुड अमाउंट और उसका जो हीट एनर्जी होता है वो भी बहुत हाई होता है, तो दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि समर्स में ट्रीज बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, बिकॉज सन इज वॉट, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी ऑफ द प्लांट्स स्पीसी. एनर्जी का सोर्स प्लांट्स लिए क्या है? सन ही है. इट इज ओनली सन विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम. सन की जो लाइट है उससे ही अपना पूरा का पूरा प्लांट्स जो है अपना प्रोसेस कैरी करते हैं, राइट? देन वी कम टू नेक्स्ट, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन. In India, almost the entire rainfall is brought in by advancing southwest monsoon. ये अब आपको पता लग गया है कि पूरे इंडिया में southwest monsoon से ही बारिश आती है. And retreating northeast monsoons, और जो आपके northeast monsoons है वो आपके क्या कहलाते हैं, retreating monsoon कहलाता है. Areas of heavy rainfall, they have more dense vegetation. ऐसे areas जहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है वहाँ आप देखेंगे कि dense vegetation मिलेगी. As compared to the areas of less rainfall, दिस इज लाइक वेरी कॉमन, बिकॉज आपको पता है अगर आप राजस्थान वाला पार्ट देखते हैं यहाँ पर वेस्ट में, तो राजस्थान का जो पोर्शन है यहाँ पर आपको बिल्कुल वेजिटेशन नहीं मिलेगी. यू विल फाइंड वेरी लो वेजिटेशन. रीजन भी क्योंकि आपको पता है ईस्ट टू वेस्ट हमारी बारिश कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. जैसे जैसे बारिश वेस्ट पार्ट में आती है कंट्री के, वो बिल्कुल खत्म होती जाती है, उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है विंड्स का. दैट इज वाई इन रीजन में बारिश बहुत कम होगी. Since the rainfall is very very low, आप देखते हैं कि यहाँ पर vegetation भी नहीं मिलती है, बहुत कम vegetation मिलेगी, है ना. And क्योंकि ये तो पूरा desert वाला region है आपका यहाँ राजस्थान का, so यहाँ तो आपको मिलेगी ही desert vegetation, desert type of vegetation. ऐसे species आपको देखने को मिलेंगे जो desert conditions में grow कर सकते हैं, survive कर सकते हैं. इतने harsh temperatures होते हैं वहाँ पर, उन conditions में जो species grow कर सकेगा वो वही का स्पीशी हो जाता है. ठीक है. हैव यू एवर थॉट एज टू व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? अब हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट, तो क्या कभी आपने सोचा कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है ह्यूमन बींग्स के लिए? सो वी हैव कंप्लीटेड विद द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने रिलीफ के बारे में स्टडी करा. अलॉन्ग विद रिलीफ हमने रिलीफ में आपके लैंड एंड सॉइल पढ़ा. आफ्टर दैट वी मूव्ड फर्दर एंड डिस्कस्ड द क्लाइमेट. क्लाइमेट पे हमने तीन एस्पेक्ट पढ़े, टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड योर प्रेसिपिटेशन. सो दिस विद दिस वी कंप्लीट योर फैक्टर्स वाला पॉइंट. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू द इम्पॉर्टेंस. अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है फॉरेस्ट की, तो देखिए, हैव यू एवर थॉट एज टू व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स? Forests are renewable resources and they play a major role in enhancing the quality of the environment. आपको generally बोला भी जाता है, this is very very like common and कई बार आप देखते हैं आपसे activities भी करवाई जाती हैं, schools में भी करवाया जाता है plantation. ठीक है, plantation की activity कराई जाती है. क्यों plants grow करवाए जाते हैं आपसे? ठीक है, there is some reason. So अगर आप देखें, सो इट एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट की क्वालिटी इनहेंस होती है. दे मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट. प्लांट्स जो हैं, जो आप ट्रीज ग्रो करते हैं, ये आपके आसपास के क्लाइमेट को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं. ट्रीज अगर आपको दिखते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको शेडो मिलेगी. एंड इन समर्स अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं एंड इफ यू फाइंड शेडो अंडर अ ट्री, यू
स्टॉप देयर, वहां रुक जाते हैं, बिकॉज दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू, आपको थोड़ी सी ठंडक मिलती है, राइट? सो दैट इज द इम्पॉर्टेंस. अगर मान लीजिए वहां ट्री ही नहीं होता एंड इफ यू विश टू स्टॉप बिकॉज बहुत तेज गर्मी है, तो आप वहां रुक ही नहीं पाते बिकॉज वहां ट्रीज ही नहीं होते, राइट? ओके, सो दे मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट, दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं. मान लीजिए आपका ये पूरा सरफेस है और यहाँ पर आपके बहुत सारे ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, सॉइल है, दिस इज योर सॉइल, ठीक है, और ये आपके क्या है, ये पूरे के पूरे पेड़ है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा ट्रीज है यहाँ पर. तो अगर अब देख यहाँ पर बारिश आ जाती है, ठीक है, अगर यहाँ रेनफॉल होती है तो रेनफॉल की वजह से आप ये देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रीज मिलेंगे तो ट्रीज ने क्या है, सॉइल को होल्ड कर रखा है, ट्रीज ने सॉइल को होल्ड कर रखा है, तो ये जो सॉइल है वो इस पानी के साथ में, इस बारिश के पानी के साथ में बह करके नहीं जाएगी. और वहीं अगर आप देखें कि एक सॉइल कवर है जहां पर सिर्फ एक पेड़ है और वहां पर अगर बारिश आ जाती है तो यहाँ की जो भी मिट्टी होगी वो इस बारिश के पानी के साथ में बह जाएगी. सो दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉरेस्ट ग्रो करें, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करें, ठीक है. इसलिए आप देखते हैं कि आपसे प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं, प्लांटेशन की एक्टिविटीज करवाई जाती है स्कूल्स में और एवरीवेयर. दे रेगुलेट द स्ट्रीम फ्लो, दे सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं. आपको वुड्स चाहिए होता है, जो आपकी वुड इंडस्ट्री होती है जहां पर आप फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, तो वुड्स आपको चाहिए होते हैं. फ्रॉम वेयर विल यू गेट वुड, वुड कहाँ से आएगी अगर ट्रीज ही नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, फ्रॉम वेयर विल यू गेट वुड, बताइए कहाँ से वुड मिलेगी? यू विल नॉट फाइंड. सो दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. इसके अलावा आप देखें कि ऐसे बहुत सारे आपके यू नो कंट्री में फेस्टिवल्स होते हैं जब आपको गुड्स चाहिए होती हैं, ठीक है. अगर आप, मैं अभी आपको रीसेंट बात करूं, सो रीसेंटली आप देखते हैं कि पुरी के अंदर जगन्नाथ पुरी में जो आपका टेंपल है, जगन्नाथ मंदिर जो है, वहां पर रथ यात्रा निकलती है, ठीक है. एवरी ईयर यू नो आप देखेंगे रथ यात्रा निकलती है, और उस रथ यात्रा के अंदर आप देखेंगे कि जो रथ बनते हैं, है ना, जो रथ बनते हैं बेसिकली, वो रथ जो होते हैं वो वुड से बनाए जाते हैं. तो अब अगर आप देखें तो अगर आपको वो रथ बनाना है तो रथ के लिए आपको वुड चाहिए. सो फॉर दैट मैटर ऑल्सो आप देखते हैं कि फॉरेस्ट ग्रो करना कितना इम्पोर्टेंट है. फॉरेस्ट इज लाइक हैविंग मल्टीपल यूजेस, बहुत यूज होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के बहुत यूज होते हैं. सो यू कैन नॉट डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट. दैट इज वाई आपको बोला जाता है कि प्लीज प्लांट्स ग्रो करें, प्लांट्स को नहीं काटें. ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो जो इतनी सारी यू नो वुड्स काटी जाती हैं उस रथ को बनाने के लिए, एंड द रथ इज सो सो ह्यूज, बहुत ह्यूज होता है वो रथ. ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ उस रथ की. यू विल जस्ट, यू कांट इवन इमेजिन कि मतलब इस रथ को बनाने में कितनी वुड्स लगी हुई. आई जस्ट शो यू वन पिक्चर ऑफ इट. Just give me a minute, I show you the picture. तो यहाँ देखिए आप, इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं, ये बेसिकली जगन्नाथ पुरी, पुरी इज अ प्लेस इन उड़ीसा, जिनको नहीं मालूम है, तो वहां पर ऐसे रथ यात्रा निकलती है, बहुत लोग जाते हैं हर साल. ये पूरा रथ बनना स्टार्ट हो जाता है सिंस मई एंड अप्रैल का जो आपका टाइम होता है, तब से ही रथ बनना स्टार्ट हो जाता है. तो आप ये जो रथ देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये वुड से बना हुआ होता है. हर साल नई वुड्स लेकर के आई लेकर आई जाती है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वुड्स कितनी जरूरी है और वुड्स कहाँ से आएंगी, ठीक है. So they support a variety of industries, they provide livelihood for many communities and they offer panoramic or scenic view for recreation. Obviously, you know, it controls the wind force and temperature. Wind force ko control karta hai, temperature ko regulate karta hai,
बारिश लाने में बहुत मदद करता है, बिकॉज इवेपोरेशन का प्रोसेस है ना, आपने पढ़ा है पूरा प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस आप पढ़ के आए हैं, इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, प्लांट से जो भी वाटर इवेपोरेट होता है उसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. सो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर रेनफॉल पैटर्न जो होता है, आपका जो साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंsed बाय द प्रेजेंस ऑफ द फॉरेस्ट. इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ. India's natural vegetation has undergone many changes. Kafi sare changes aaye hain due to several factors such as the growing demand of cultivated land, development of industries, mining activities, urbanization, overgrazing of the pastures. So aap dekhte hain ki aise bahut sare areas hain, aise bahut sare lands hain jinko clear kara gaya hai, wahan se pura pura forest cover hata diya gaya sirf aur sirf because अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, लोगों के पास में जमीन नहीं है रहने की. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट क्लियरिंग अवे द सरफेस, पूरे पूरे फॉरेस्ट हटा देते हैं, ठीक है. एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए होता है तो आप देखेंगे फॉरेस्ट रिमूव कर देंगे, ग्रेजिंग पैशर्स, इसके लिए भी यू नो फॉरेस्ट कवर, नेचुरल वेजिटेशन हटा दी जाती हैं. ऑल्सो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट आपको पता है बिल्कुल आउटर साइड में होता है, आउटर पार्ट ऑफ द सिटी में होगा, सिटी के बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा. सो उसमें भी क्या करेंगे, एक बहुत अंदर की तरफ जाकर के इंडस्ट्री बनाई जाती है, ठीक है. तो जब इतना बाहर वहां तक जाते हैं तो आसपास में आपको जो है लैंड के लिए फॉरेस्ट को रिमूव करना पड़ता है. सो इट हैज, अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर ऐसा होता है, होता आ रहा है, एंड स्टिल इट हैपेंस एट टाइम्स, ठीक है. देन वी मूव फर्दर. The vegetation cover of India in large part is no more natural in the real sense, except in some inaccessible region like the Himalayas, the hilly regions of central India and the Marusthali. The vegetation of most of the areas has been modified at some places or they are replaced or degraded by the human occupancy. So agar aaj dekhe hamari country ke andar to aise bahut sare areas hain jahan par natural vegetation grow kara karti thi, lekin ab आप देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर दिया गया है, द बैलेंस हैज बीन डिस्टर्ब. वहां या तो ह्यूमन प्रेजेंस हो गई है, ह्यूमंस पहुंच चुके हैं वहां तक, तो आप देखते हैं उनको क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है. ह्यूमन कोई ना कोई वहां एक्टिविटी करता है, वहां आप देख सकते हैं माइनिंग एक्टिविटीज हो जाती है, एनीथिंग एनीथिंग. सो पूरा का पूरा जो ये आपका एक नेचुरल वेजिटेशन का परसेंटेज हुआ करता था वो रिड्यूस हो गया है, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस. पर ऐसे कई एरियाज भी हैं जहां पर आपको नेचुरल वेजिटेशन भी मिलेगी, और वो ऐसे एरियाज हैं जहां पर ह्यूमन एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है ह्यूमन की, है ना, मतलब ह्यूमन वहां पहुंच ही नहीं सकता है, या इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन बींग टू रीच देयर. एंड इवन इफ मान लीजिए वो वहां पहुंच भी गया, तो वो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ह्यूमन कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकता है, बिकॉज आप थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ के आए हैं. And you know this thing, कि plates का continuous movement होता रहता है, और continuous plate के movement की वजह से कुछ ऐसे zones हैं जो बहुत ज्यादा sensitive होते हैं, जैसे जो आपका हिमालय वाला region है वो बहुत sensitive zones है, कभी भी कुछ भी वहां पर हो सकता है, earthquakes आ सकते हैं, landslides हो सकती हैं, तो उस region को आपको बिल्कुल भी disturb नहीं करना होता है. So ऐसे areas हैं जहां पर human नहीं कर सकता है कुछ भी, accessibility ही नहीं है, तो उन एरियाज में जो वेजिटेशन है वो प्रिजर्व्ड है, वो डिस्टर्ब नहीं करी गई है. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, बहुत बेसिक सा है, और इतना आपको डिफिकल्ट नहीं अब लगना चाहिए, बिकॉज आप पूरा कवर कर चुके हैं. मेजर पोर्शन जो है, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, हैवी कॉन्सेप्ट हैं, वो आप सबने समझ लिए हैं. बस नाउ वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कनेक्ट, आपको लिंक करना आना चाहिए. जैसे अब मैंने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, वो भी हमने यहाँ यूज कर ली. कैसे यूज करी, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी सेज दैट प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है. सो देर आर सम एरियाज जहां पर अभी भी स्टिल प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, बहुत सेंसिटिव जोन्स है, अगर आपने उनको डिस्टर्ब करा तो बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, वहां लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक आ जाएंगे. तो ऐसे रीजन्स में वेजिटेशन तो जरूर होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं कि वेजिटेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी है, देर विल बी वेजिटेशन, वहां कुछ एनिमल्स मिलेंगे, तो उन एरियाज में आप वहां कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं. तो वहां पर जो भी नेचुरल वेजिटेशन है या प्लांट्स हैं, स्पीशीज, वॉट एवर, वो प्रिजर्व्ड है,
उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है. और नेचुरल वेजिटेशन यही कहता है, डेफिनेशन क्या है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है. सो आई होप दिस हैज बीन क्लियर टू यू. नाउ वी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ इकोसिस्टम. अब हम इकोसिस्टम समझते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है. तो देखिए इकोसिस्टम क्या होता है. प्लांट्स अकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज. देखो आपने देखा होगा कि प्लांट्स आपको कुछ ना कुछ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज में मिलेंगे. कभी कभी आपको प्लांट्स यू नो बहुत ही पास पास मिलते हैं, प्लांट्स की अलग ही कम्युनिटी होती है. जस्ट लाइक अगर आप देखें आपकी क्लासेस में ग्रुप्स होते हैं, है ना, चार दोस्तों का एक ग्रुप, फिर छः सात दोस्तों का एक ग्रुप हो जाता है. वो कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत अलग ग्रुप होता है, वो अपने अलग रहते हैं. सो आपकी क्लास में भी आपने नोट करा होगा कि ऐसे अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं. तो सिमिलरली आप ये देखें कि प्लांट्स जो है वो भी आपको ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में मिलेंगे इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, है ना. तो कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, ये पूरे की पूरी जो बेल्ट है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बेल्ट है. यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हमने पढ़ा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्लांट्स मिलेंगे, ग्रुप ऑफ प्लांट्स मिलेंगे अलग अलग ऐसे. इस लाइन का ये मीनिंग है, ठीक है. वापस से समझ लेते हैं क्या कह रही है लाइन. प्लांट्स अकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज. डिस्टिंक्ट मतलब वेरी वेरी यूनिक, बहुत अलग. मतलब एक ग्रुप जो होगा वो दूसरे ग्रुप से मैच भी नहीं करेगा, वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है. डिफरेंट डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस. दैट मीन्स सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको मिलेंगी, लेकिन उस सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी आप देखेंगे कि आपको अलग अलग वेराइटी ऑफ स्पीशीज मिलेंगे. अगर पूरी की पूरी आपकी ट्रॉपिकल बेल्ट है, तो इस ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्पीशीज मिलेंगे. क्लाइमेट एक है, क्लाइमेटिक कंडीशन एक है, देयर इज सिमिलर क्लाइमेट. ये आपका ग्लोब है एंड यू नो कि यहाँ पर आपका पूरा क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. तो इस पूरे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यू विल फाइंड व्हाट डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीशीज. क्लाइमेट इज वन, क्लाइमेट एक ही है. फिर आप जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल में आप देखेंगे टाइप ऑफ क्लाइमेट इज वन, लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट स्पीशीज मिलेंगे. द नेचर ऑफ द प्लांट इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया. When the vegetation is altered, the animal life also changes. जब हम किसी भी जगह से वेजिटेशन को डिस्टर्ब करते हैं, वेजिटेशन को क्लियर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी पीस ऑफ लैंड है, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे जितना भी ट्री कवर था, जितना भी ट्रीज यहाँ ग्रो कर रहे थे, फॉरेस्ट कवर था, वो तो सारा का सारा हमने क्या करा, रिमूव कर दिया. अब रिमूव करने की वजह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर एनिमल्स भी हुए तो वो एनिमल्स भी क्या है, इनके साथ साथ डिस्प्लेस हो जाएंगे. Animals will also get displaced. All the plant and animals in an area, they are independent and they are interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem. So, आप किसी भी area में देखते हैं कि वहां पर आपको जितने भी plants और animals मिलेंगे वो सारे के सारे interlinked होते हैं, interdependent होते हैं, ठीक है. Because अगर आप देखें तो animals उन plants को खाएंगे, ठीक है. प्लांट जो है वो अपना फूड बनाते हैं. सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर, और इस पिक्चर से आप ही देख सकते हैं कि कोई सी भी स्पीशीज हो, प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं. एंड ऑल्सो आप देखें कि फ्लोरा और फौना एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती है. फ्लोरा एंड फौना दे आर कनेक्टेड, दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, दे हैव एन इंटरलिंक, लिंक्ड होते हैं, ठीक है. They are actually interlinked. Human beings are also an integral part of ecosystem. तो ecosystem में अभी तक हमने कौन कौन पढ़ा था? Ecosystem में हमने पढ़ा आपके plants, ठीक है. फिर ecosystem में हमने पढ़े आपके animals. Plants और animals बहुत important है. और अब आपके आ जाते हैं humans भी. Humans are also important integral part of an ecosystem. ठीक है. तो दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि आपके इकोसिस्टम में कौन कौन होता है, सो इट इज योर प्लांट्स, इट इज योर एनिमल्स एंड इट इज योर ह्यूमंस. हाउ डू ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ अ रीजन. ह्यूमन की प्रेजेंस से कैसे इकोलॉजी इन्फ्लुएंस होती है.
they utilize the vegetation and wildlife. Basically, अगर आप देखें तो जो humans होते हैं वो उस particular area की vegetation को use करते हैं, ठीक है. The greed of human being leads to the over utilization of the resources. ये आपको पता है, human beings are very greedy and resources जो है उनकी scarcity है. There is a scarcity of the resources. हमारी country में अगर आप देखें तो जो natural resources है, like we have water, we have land, इसकी क्या है, कमी होने लगी है. तो जब लैंड की कमी हो जाती है, आप देखते हैं लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स ही है, ह्यूमन ने तो क्रिएट नहीं करी है सर्फेसेस. अब क्योंकि इस नेचुरल रिसोर्स की आप देखते हैं कि कमी होने लगती है, यू नो, इतना अवेलेबल नहीं होता है, लैंड कम हो जाता है और लोग जो है या जो पॉपुलेशन है वो आपकी बहुत ज्यादा है. अब उस पॉपुलेशन को सेटल डाउन करना है, पॉपुलेशन को सेटल डाउन करने के लिए यू नीड लैंड. सो फॉर दैट मैटर व्हाट हैपेंस, पूरा का पूरा आपका फॉरेस्ट एरिया क्लियर कर देते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड क्लियर कर देते हैं. सो दिस इज हाउ अ ह्यूमन एंटर्स इनटू एन इकोसिस्टम. किस तरीके से ह्यूमन जो है वो एक इकोसिस्टम में एंटर करता है और उस इकोसिस्टम में एंटर करके उसको डिस्टर्ब करता है. दे कट द ट्रीज, दे किल द एनिमल्स, क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. और वहां जाकर के वो उस इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्बैलेंस कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है. दैट इज वाई आप देखते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, अगर आप कभी घूमने गए हो तो वहां पर लिखा होता है प्रोहिबिटेड, यहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस प्रोहिबिटेड है, ह्यूमंस को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है. इसीलिए अगर आप देखें तो नेशनल आपके जो है नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए जाते हैं, सेंचुरीज बनाई जाती हैं, रिजर्व्स बनाए जाते हैं, सो दैट फॉरेस्ट को प्रिजर्व करा जाए, वेजिटेशन को प्रिजर्व करा जा सके, जो आपके फौना है, फ्लोरा है, जिनको हार्म है ह्यूमंस से, राइट, उनको प्रिजर्व करा जाए, सो दैट ह्यूमन प्रेजेंस वहां नहीं हो, है ना. इस वजह से आप ये देखते हैं कि बहुत सारे रिजर्व्स बनाए गए हैं और रिजर्व्स में उन प्लांट स्पीशीज को, उन एनिमल स्पीशीज को सेव कर रखा है. एज अ रिजल्ट some of the plant and animals have reached the verge of extinction. अब क्योंकि humans ने इतना ज्यादा exploit करा है, animals को इतना ज्यादा kill करते हैं, illegal poaching, hunting की activities करी जाती है, ये सब ban है, मना है आपको कि आप ऐसे animals को नहीं kill कर सकते, ठीक है. But in spite of that आप देखते हैं humans कर देते हैं, ठीक है. So because of it what happens, कई ऐसे animals हैं जिनकी अब species या breeds खत्म हो रही है, they are on the verge of extinction. Extinction मतलब खत्म हो रहे हैं. Do you know that a very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called a biome? Biome किसे बोला जाता है, यहाँ से आपसे question पूछा जा सकता है. Important है ये question. This is the important term. What is a biome? So very large ecosystem, एक बहुत बड़ा ecosystem having distinct type of vegetation and animal life, जहाँ पर आपको बहुत अलग अलग variety of vegetations, बहुत अलग अलग variety of animals मिलते हैं, उसको एक biome बोला जाता है. That is a very very large ecosystem. The biomes are identified on the basis of plants, ठीक है. और biomes identify कैसे करे जाते हैं, plants की basis पर. So with this we complete टुडेज टॉपिक जो आज हमें करना था. आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे जिससे कि आपको हैवी नहीं लगे चैप्टर. दो द चैप्टर इज वेरी इजी, इतना हैवी नहीं है. आई होप यू आर फाइंडिंग द चैप्टर वेरी सिंपल. इतने कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है यहाँ पर, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको ये याद करने हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या डेफिनेशंस हैं, इसमें बस यही सब याद करने का है. The things are more of learning, है ना. इसमें ज्यादा चीजें आपको याद करनी है, facts हैं इसमें बहुत सारे, तो आपको facts याद करने पड़ेंगे. So आज हमने आपको क्या cover करा है, introduction cover करा है. Then we had covered the factors, factors में हमने cover करा relief, climate, ठीक है. Climate में हमने cover करे आपके photo period, precipitation and temperature. Then we moved ahead discussing the ecosystem और ecosystem discuss करा, ठीक है. इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स तीनों होते हैं, ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी होता है, दैट इज योर इकोसिस्टम. उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है. सो देखिए इस तरीके के आपको दिख सकते हैं कि दिस इज योर फ्लोरा, जहां जहां आपको प्लांट्स दिख रहे हैं दैट इज योर फ्लोरा, एंड एज यू कैन सी दीज आर एनिमल्स, दिस इज फौना, ठीक है.
So with this, we end our today's lecture over here, and we will continue in the next class. In the next lecture, we'll continue with the chapter. Till then, please keep revising, keep learning. Have a good day.